पीयूष गोयल से मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। आज पटना के गांधी चौक पर कांग्रेस उम्मीदवार अखिलेश के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस के द्वारा पटना के गांधी चौक पर ईडी के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है। बताते चले नेशनल मामले में आज सोनिया गांधी को ईडी के द्वारा आज जो कांग्रेस के जवान नेता है वो आज पटना के गांधी चौक पर ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कारगिल चौक से ईडी कार्यालय तक जाएंगे और ईडी के खिलाफ प्रदर्शन आज विरोध प्रदर्शन करते हैं। आप साथ में देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में जो प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और बात की तो आइए लेकिन आप बता दें कि जो नेशनल हेडलाइन मामले में इससे पहले राहुल गांधी से जिसे पूछा गया था और अब सोनिया गांधी के को भी ईडी के ईडी निकलाए और जो नेशनल हेडलाइन मामला इसी के लेकर आज ईडी और सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी लेकिन अभी आप आगे बढ़ने बहुत जब से वो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई है ईडी उसके अंदर में काम के लिए जो गलत है हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आक्रोश मार्च हम लोग ईडी ऑफिस में खड़ा कर रहे हैं। सर इससे पहले राहुल गांधी से पूछताछ किया गया था, राहुल गांधी को भी तंग किया गया, सोनिया गांधी को किया जा रहा है, उनको कोई काम बचा नहीं है। यही लोग खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ईडी नरेंद्र मोदी महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ जब भी कोई अपोजिशन पार्टी आवाज उठाता है तो ईडी के माध्यम से उसको टॉर्चर करता है, परेशान करता है। नरेंद्र मोदी आज जो मूल समस्या है उससे भागता है, यही कारण है कि आज ईडी आईटी के माध्यम से अपोजिशन की आवाज को दबाना चाहते हैं। आज सोनिया गांधी ने बुलाया और उनसे पूछताछ कर रहा है। सोनिया गांधी वो नेता है जिन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी की त्याग की है और उस सोनिया गांधी के साथ देश के 130 करोड़ आवाम का समर्थन है। सोनिया गांधी की आवाज को, महंगाई के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है उसको सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को ईडी के माध्यम से नहीं जलाया जा सकता है। हम सभी लोग सोनिया और राहुल गांधी के साथ एकजुटता के साथ खड़े। इससे पहले राहुल गांधी जी से भी पूछताछ किया गया था। राहुल गांधी ही देश के एकमात्र ऐसे नेता है जो नरेंद्र मोदी के आंख में आंख डालते और उसको उनसे सवाल करते हैं। यही कारण है कि उन्होंने राहुल गांधी को ईडी के माध्यम से टॉर्चर करना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी चरने वाले नहीं हैं। हम अंग्रेजों से लड़े हैं, भाजपा के किसी चोर सरकार से भी लड़ेंगे। वरिष्ठ नेता आदरणीय निखिल कुमार जी हम लोगों के बीच में हैं। हम सभी के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर शकील अहमद साहब हम लोगों के बीच में हैं। हम सभी के बीच आदरणीय पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक जी हम लोगों के बीच मौजूद हैं। हम लोगों के बीच